अगला नया टॉपिक है त्रिभुज का शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? देखिए साथियों, इसकी डेफिनेशन आप ऐसे नहीं बता सकते हो, इसके लिए हमें एक चित्र बनाना होगा तब हम बता सकते हैं, नहीं तो ऐसे जमाने नहीं बता सकते, इसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं होती है। तो अगर हम ये फिगर बनाएं जिनके हम नाम दे देते हैं ए बी और ये सी, ठीक है, इसमें हम ऊपर से एक लाइन खींचते हैं सीधी सीधी और ये आकर के यहाँ पटक देते हैं इसको, यह लाइन, ठीक। अब देखो, ध्यान से देखना, यहाँ से आप चाहो तो बहुत सारी और भी लाइनें खींच सकते हो, ऐसे डॉट 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 में ऐसे कर सकते हो। हाँ, कोशिश करना, ठीक। देखो, अब त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है, इस चित्र के अनुसार आप परिभाषा दे सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखो, वो रेखाखंड जो शीर्ष ए से, वो रेखाखंड, रेखाखंड के बारे में पहले बताया हूँ, जिसका क्या होता है, दोनों बिंदु, देख लो यार एक बार फिर से, रेखाखंड क्या होता है और रेखा क्या होता है। रेखाखंड का मतलब ये होता है कि ये दोनों तरफ बढ़ सकती है, ये दोनों तरफ बढ़ सकती है, नहीं, रेखाखंड का मतलब एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, ये किसी तरफ नहीं बढ़ेगी, निर्जीव है एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन रेखा का मतलब क्या है, रेखा का मतलब ये है कि दोनों तरफ बढ़ सकती है, इधर को भी जा सकती है, इधर को भी जा सकती है, ये रेखा कहलाती है। जबकि एक में एक तरफ को एरो बना होता है, उसे किरण बोलते हैं, तीर की तरह, ठीक। तो रेखाखंड का मतलब ये एक टुकड़ा है, एक भाग है ना, तो इधर को बढ़ेगी ना इधर को बढ़ेगी, किसी तरफ को नहीं बढ़ेगी, है ना। इसको बढ़ा करके हाँ रेखा बनाया जा सकता है, इसको अनंत तक बढ़ा लो तो रेखा बन जाएगी, रेखाखंड नहीं रह जाएगा फिर। तो अब देखो, रेखाखंड के बारे में आप जान गए, वो रेखाखंड जो शीर्ष ए से सीधा ऊर्ध्वाधर नीचे, रेखाखंड बी सी पर, वो रेखाखंड जो शीर्ष ए से सीधा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम खड़ा, सम्मुख रेखाखंड बी सी पर क्या होता है, लंब होता है, यही तो है ना, वो क्या कहलाता है, त्रिभुज की ऊंचाई कहलाता है, या फिर इसे ही त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं, समझ गए। तो ये है शीर्ष लंब। हाँ, अगर हमें कहा जाए इस त्रिभुज की ऊंचाई बताओ तो क्या करोगे भैया, रेखा तो हम यहाँ और भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी मिला सकते हैं, लेकिन ये सभी त्रिभुज की सही ऊंचाई नहीं बताएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसे जान लो, अगर आप एक कमरे में हो, आपसे पूछा जाए कमरे की ऊंचाई कितना है, तो कैसे बताओगे कमरे की ऊंचाई, दीवार नाप के बता सकते हो अगर कमरा समतल है तो, अब पता चले कहीं कमरा का फर्श उड़ल खबड़ा है, छत कहीं ऐसे वैसे है, तो कैसे बताओगे। तो आप बीचों बीच के उसके जहाँ पर उसका एक प्रकार से सही समतल जगह, वहाँ से आप नाप के बता सकते हैं, फिलहाल उसका यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। तो आप इसे समझ गए हैं तो जल्दी से लिख लें, और हाँ, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो जल्दी से कर दें, फट से, बहुत देर ना करें, तुरंत करें।